साजिश नहीं किया है, हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये विपिन सिंह का स्टेटमेंट है। सराफा व्यापारी से हुई ज्वेलरी की चोरी दिन प्रतिदिन सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती जा रही है। सराफा दुकान में हुई चोरी में 15 आरोपियों का नाम शामिल है, जिनमें मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया है। इसके बाद विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये वही विपिन सिंह है जिसको पुलिस डकैती का सरगना बता रही है। जब विपिन सिंह ने सरेंडर किया तो उसे मंगेश यादव के एनकाउंटर की बात याद आ गई और विपिन सिंह को डर लगने लगा। इस बीच क्या कुछ कहा सुनिए उन्होंने। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की साजिश थी, डिमांड पर मेरा एनकाउंटर। वहीं अब विपिन सिंह के वकील को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। क्या कुछ कहा है वकील ने वो भी जरा सुनिए। वकील साहब, आज विपिन सिंह कोर्ट में यहाँ रिमांड पे लाए गए थे और वो निकल कर कहे कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, किस मामले में वो कोर्ट में आए थे और क्या कोर्ट ने आदेश दिया रिमांड के लिए पुलिस को? देखिए, एक लूटकांड सुल्तानपुर चौक में हुआ था जिसमें 5 लोग अज्ञात में मुलजिम थे, जिसमें पुलिस विवेचना के दौरान विपिन सिंह का नाम लाना चाहती है। और चूंकि एक सर्राफा व्यवसायी के मुताबिक 1,35,00,000 की रिकवरी है, तो पुलिस इस मामले में 15 किलो चांदी की रिकवरी अन्य मूल्यवान से कर चुकी है। पुलिस को ये लगता है कि विपिन सिंह भी इसमें वांछित अभियुक्त हो सकते हैं। इस आधार पर रिकवरी के लिए पुलिस CGM महोदय के यहाँ एक दरखास्त उन्होंने दिया था कि हमको PCR दिया जाए, और ऑनरेबल कोर्ट ने से ये याचना की थी कि 1 हफ्ते का PCR हमको दिया जाए, लेकिन कोर्ट 1 हफ्ते का समय न देते हुए 5 दिन का समय विवेचक को दिया और यह कहा आदेश किया कि इनका मेडिकल चेकअप जब इनको जेल से निकाला जाए उस समय कराया जाए और 12 तारीख को 5 बजे तक इनको दाखिल कर देना है पुलिस को, और उस समय भी इनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए ताकि मुलजिम चूँकि जुडिशियल कस्टडी में है इसलिए उसके शारीरिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए मेडिकल का आदेश किया। दूसरा आदेश ये किया कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर इनसे रिकवरी का कोई मामला आता है तो उस दशा में वो वीडियोग्राफी होना चाहिए ताकि ये सत्यता प्रतीत हो कि वास्तव में रिकवरी हो रही है, कि रिकवरी किन दशाओं में की जा रही है। कानपुर का सरदर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्य आरोपी बताए जाने वाले विपिन सिंह के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत अब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में कर दी है। परिजनों ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस रिट याचिका दाखिल की है, जिसमें पुलिस के द्वारा 31 अगस्त को ही विपिन सिंह के भाई विवेक सिंह व विमल सिंह को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के मोहनगंज थाने में डिटेन करने के आरोप लगे हैं। याचिका में माने तो जो बातें कही गई हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं परिजनों ने याचिका में आशंका जताते हुए कहा है कि सुल्तानपुर पुलिस व अमेठी पुलिस कहीं ना कहीं विपिन सिंह के भाई को फेक एनकाउंटर में मार सकती है। दरअसल हुआ यूं कि सुल्तानपुर पुलिस ने 34 अपराधों की क्रिमिनल हिस्ट्री वाले विपिन सिंह को डकैती का मुख्य आरोपी बनाया है। विपिन पर रेकी करने व प्लान तैयार कर बैकअप देने का आरोप है। सर्राफा की दुकान में 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह 5 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रहेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया है। उसे 12 सितम्बर की शाम 5 बजे तक रायबरेली जेल में वापस दाखिल करना होगा। अब विपिन सिंह को एनकाउंटर का डर लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उसका ये डर सही साबित होता है या नहीं। JMD News के लिए सुल्तानपुर से ज्ञानेन्द्र तिवारी के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की रिपोर्ट।